अगले सरकार आएगी धरती जरूर आएगी। बना हम भाजपा चुना जानी भाजपा जानते ही नहीं योगी नहीं जानते योगी जनता ना कितने बच्चों को एंट्री नहीं मिली कि आपके ये डॉक्यूमेंट नहीं है आपके पास ये नहीं वो नहीं है कितने बच्चे रोते रह गए 19 बैच के। मोदी अच्छे नहीं योगी भी अच्छे नहीं लगते। नमस्कार स्वागत है आपका ऑफिशियल खबरबाजी की अड्डे पर। इस समय हम जौनपुर के मल्हनी विधानसभा के अंतर्गत आने वाले एक गांव इस मेला में हैं। इस गांव में कुछ लोग प्राइमरी स्कूल पर मैच खेल रहे थे तो जैसा कि पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है और तमाम पार्टियां भाजपा कह रही है कि भाजपा की सरकार बन रही है और सपा रालोद कह रहे हैं कि उनकी सरकार बन रही है तो हम यहाँ पर लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मल्हनी में कौन से मुद्दे इस बार हावी रहने वाले हैं इस बार चुनाव में और पूर्वांचल की हवा किस तरफ बह रही है। तो सबसे पहले बताइए अपना नाम बताइए। हमारा नाम अजय यादव सहायक अध्यापक हम हैं। सहायक अध्यापक इसी स्कूल में? नहीं यहाँ से नहीं सलखापुर से। सलखापुर से तो कौन सा कोर्स किया था आपने और कौन सी परीक्षा दी? किए हैं बीटीसी टेट सुपर टेट पास है। सुपर टेट पास हैं। वैकेंसी तो आई नहीं जो 52,000 या 53,000 कितनी आने वाली थी? 51,000 आने वाली थी पर आ नहीं पाई आचार संहिता लग गया। हाँ चुनाव के बाद आएगा। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार बन रही है? अब देखिए सब अपने अपने समर्थक जो हैं अपना बात रख रहे हैं भाई कोई सपा कह रहा कोई जो उनके समर्थक हैं बीजेपी कह रहे हैं। तो आपका भी कुछ मत होगा आपके हिसाब से किसकी सरकार आ रही है? अब देखिए विकास पर भाई वोट पड़ रहा है हो सकता है कि इस बार अखिलेश यादव आ जाए। तो मल्हनी के मुख्य मुद्दे क्या हैं इस चुनाव में जो मुख्य मुद्दे हैं? इस बार मुख्य मुद्दा यही है विकास का मुद्दा है। हाँ। और बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। तो यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं लकी यादव उन्होंने काम इस गाँव में कुछ किया है कि नहीं है? काम तो किए हैं पर थोड़ा उनको समय नहीं मिल पाया एक साल समय मिला काम नहीं कर पाए लेकिन इस बार नलके वलके सब लगवाए हैं। नलका उलका लगा है। तो अपना नाम बताइए। जी पंकज कुमार यादव सहायक अध्यापक हैं। कहाँ पे आप हैं? जी वहीं सलखापुर में प्राथमिक विद्यालय अमदहा में। अमदहा जी। तो आपके हिसाब से क्या मुद्दे रहने वाले हैं? मुद्दा तो पहला तो सड़कें सही हो जाएं। सड़कों के साथ साथ जो सिटी में जाम लगता है जाम से लोगों को निजात मिल जाए उस दिशा में काम करना चाहिए। और जहां तक संभव है बेरोजगारी तो बहुत बड़ा मुद्दा है। बेरोजगारी से निजात पाना चाहता है हर वर्ग का युवा जो है वो बेरोजगारी से निजात पाना चाहता है। और लग तो यही रहा यही मुद्दे हैं फिलहाल सड़कें हैं और जाम से निजात मिल जाए बेरोजगारी दूर हो जाए महंगाई जो इतनी बढ़ गई है महंगाई पर थोड़ा लगाम लग जाए। तो किसकी सरकार बनने वाली है जो बेरोजगारी की दूर सारी सरकारें कई सरकारें आई गई लेकिन रोजगार का मुद्दा हल नहीं हो रहा है तो कौन सी सरकार आएगी आपके हिसाब से जो मुद्दे सॉल्व करेगी? क्योंकि योगी सरकार भी लगातार कह रही है कि हमने 2 करोड़ रोजगार दिए 2 करोड़ लोगों को। धरातल पर दिख कहाँ रहा है 2 करोड़। और हमको जहाँ तक लगता है ना कोई भी सरकार बेरोजगारी का मुद्दा नहीं है दूर कर पाएगी। जो योगी जी कह रहे हैं कि हाँ 2 करोड़ रोजगार दे दिए 2 करोड़ रोजगार कहाँ है कहाँ दिख रहा है 2 करोड़। सारी भर्तियाँ पेंडिंग में पड़ी हुई हैं चाहे पुलिस की भर्ती हो फिलहाल कुछ लोग गए हैं ट्रेनिंग पे और शिक्षक भर्ती देख लीजिए आप 69,000 हुआ वो भी ठीक तरह से भी पूरा नहीं हुआ उसकी 6800 सीटें बाकी हैं 72,825 पिछली सरकार में भी बाकी हैं। अच्छा 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला जो था उसमें सरकारों ने कहा कि जैसे विपक्ष सरकार के ऊपर ये आरोप लगा रही थी कि इसमें घोटाला हुआ तो आपके हिसाब से क्या इसमें लग रहा है कि आरक्षण में जो घोटाला हुआ था कि नहीं? जी हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं सतीश द्विवेदी जी उन्होंने भी माना कि हाँ अधिकारियों की थोड़ी बहुत चूक की वजह से या विसंगति की वजह से अब घोटाला तो नहीं कर सकते भाई हम लेकिन हाँ विसंगति की वजह से कुछ दिक्कतें आई थी जिस तरह से उन्होंने कहा था और वही सीटें उन्होंने बाद में 6800 सीटें उसमें जोड़ने का प्रयास किया है जी। हाँ, उसका निकाल दिया है अभ्यर्थियों का नाम भी आ गया लिस्ट भी आ गई है और जब तक प्रोसेस शुरू होता तब तक आचार संहिता आ गई। तो आपको क्या लग रहा है आप तो शिक्षक हैं आपको क्या लग रहा है इस बार छात्र जो हैं किस साइड हैं? क्योंकि जो RRB NTPC का एग्ज़ाम हुआ था उसका रिजल्ट आया था और उसके बाद बड़ी बर्बर तरीके से लाठीचार्ज हुआ इलाहाबाद पटना में। वर्ग है चाहे वो जिस भी जाति से बिलोंग करता हो जिस भी पार्टी से बिलोंग करता हो वो जो रोजगार देने की बात करेगा वोट उसी को करेगा। तो इस बार रोजगार देने की बात कौन कर रहा है? रोजगार देने का काम तो हर एक पार्टियां कर रही हैं अब ये है कि कौन विश्वास दिला पाता है ये देखना बाकी है।
तो जी बताइए अपना नाम पहले बताएं। मेरा नाम आयुष यादव है और मैं बीटेक फोर्थ ईयर में हूं और मैं इलेक्ट्रिकल से इंजीनियरिंग कर रहा पूर्वांचल से, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीटेक की। तो बीटेक उठे का तो बड़ा बुरा हाल है। हाल तो बुरा है, लेकिन जैसा कि अभी पिछले 5 वर्ष का देखा जाए तो आईटी सेक्टर्स में उतना डेवलपमेंट नहीं कर पाई सरकार। और जैसे कि अभी कोविड आया है, कोविड के जाने के बाद बहुत सारी जॉब्स चली गई हैं और जॉब की सबसे बड़ी समस्या रही है। और सरकार बहुत ज़्यादा बोली कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरियाँ दे रहे हैं, मतलब मनरेगा दे रहे हैं सबको, मतलब छोटी सी नौकरी से लेकर बड़ी नौकरी को बोल रही है करने को, लेकिन वो हो नहीं पाई क्योंकि बेरोजगार बढ़ते गए। और इंजीनियर्स का हाल आप जानते हैं, उनको तो वैसे भी पेमेंट की दिक्कत है। इंजीनियर्स सारे पीएसयू बंद हो गए हैं, तो आप कोई और अल्टरनेटिव देख रहे हैं? क्योंकि इंजीनियरिंग का तो लगातार हर साल बुरा ही हाल होता जा रहा है। अब जैसा कि देखा, अगर कहा जाए कि जो नौकरियां पहले जो कर रहे थे वो भी निकाल दिए कोविड की वजह से, अभी जो कोविड का जो हमारा सरकार का वो गिरा हुआ है उसके वजह से नौकरियां गई हैं, और जो नए अभ्यर्थी आ रहे हैं वो भी कहीं सक्सेस नहीं हो रहे हैं, वो भी कहीं लग नहीं पा रहे हैं। तो बेरोजगारी का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है और होगा भी। तो इस बार आप किसकी सरकार चुनेंगे? इस बार अगर देखा जाए तो हम सपा को चुनेंगे, और वो सरकार पहले भी अच्छी नौकरियां दे चुकी हैं, जैसे कि शिक्षा मित्रों को पहले दिया था, वो योगी सरकार आने के बाद उनका भी उनको भी निकाल दिया गया, प्लस और भी नौकरियां नहीं दी गई, बहुत सारी नौकरियां जो उनकी पेंडिंग में रह गई। और एग्ज़ाम में हर एग्ज़ाम लीक हो जा रहा है, उनका कोई भी एग्ज़ाम पूरा क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। तो आपके हिसाब से भी रोजगार बड़ा मुद्दा रहने वाला है? सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार रहने वाला है। जी बताइए आप। जी उमेश यादव, बीटीसी किए हुए हैं। बीटीसी किए हैं, टेट में बैठे थे? जी बैठे थे टेट। क्वालिफाई हैं? क्वालिफाई हैं। तो भर्ती तो आ नहीं रही है? जी भर्ती नहीं दिया। तो किसकी सरकार चुनेंगे इस बार? सरकार उस मतलब सरकार जो है उसकी चुनी जाएगी जो युवाओं के बारे में सोचेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है बच्चे इतना तैयारी कर रहे हैं, पेपर आउट हो जा रहा है, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कैंसिल हो जा रहा है। तो इस बार जो है जो सरकार युवाओं के बारे में काम करेगी उसी को चुनेंगे। सरकार युवाओं को, तो आपके हिसाब से कौन युवाओं की बात कर रहा है? क्योंकि सारी पार्टियों के मैनिफेस्टो में युवाओं की बात है। बीजेपी का देख लिया, ठीक है, बीजेपी कोई वैकेंसी भी क्लियर नहीं हुई, ठीक है, इस बार हम सपा की सरकार लाएंगे। जी सपा की सरकार लाएंगे, उन्होंने वादा किया है कि बच्चों के बारे में काम किया जाएगा, क्योंकि बच्चे इतना तैयारी कर रहे हैं, पेपर देने जाते हैं पेपर कैंसिल हो जाता है। जी बताइए अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम ब्रजेश पटेल है। ब्रजेश पटेल जी, तो पटेल जी इस बार किसकी सरकार बन रही है? सर सरकार बनने की तो है, हम उसी को वोट देंगे जो युवाओं के बारे में किया है और युवाओं के बारे में सोच रहा है, हम उसी को वोट करेंगे। तो कौन सोच रहा है? सर युवाओं के बारे लिए अखिलेश, माननीय अखिलेश जी ने किया है और हम उन्हीं को वोट करेंगे सर, क्योंकि पहले भी हमने देखा था उनकी सरकार में सर युवाओं को ही ज़्यादा महत्व दिया गया था, उनके मतलब कि प्रलोभन ज़्यादा कुछ नहीं था, जो किया उन्होंने युवाओं के लिए किया। और अभी देखिए हमने 21 में टेट दिया, टेट देने सेंटर पहुँचे, पेपर मतलब बैठने के बाद हाथ में आने के बाद पेपर कैंसिल हो गया ठीक। और उस पेपर में सर सोचिए 21 लाख बच्चे बैठे थे, 21 लाख बच्चे कहाँ कहाँ से आए थे, कोई बिहार से, कोई राजस्थान से, कोई एमपी से, कहाँ कहाँ से बच्चे आए थे। तो उसके बाद तो सरकार ने कहा कि हम जो जहाँ से भी आ रहे हैं उनके लिए फ्री में ट्रांसपोर्ट की सुविधा होगी, ठीक। तो वो तो ट्रांसपोर्ट सुविधा उन्होंने दिया, ठीक, हम उसको मानते हैं, लेकिन इस कोविड काल में बड़े से बड़े एग्जाम सर जिसमें मात्र 2,000, 3,000 या फिर 20,000 ऐसे स्टूडेंट बैठे थे एग्जाम में, वो सारे एग्जाम कैंसिल हो गए, ठीक। इस जो कि इस एग्जाम में 21 लाख बच्चे बैठने थे 23 जनवरी को, ठीक, लेकिन इन्होंने ये एग्जाम कैंसिल नहीं किया, ये अपने जिद पे अड़े रहे कि नहीं हम ये एग्जाम कराएंगे तो कराएंगे। बच्चों ने कितनी मांग की कि नहीं ये एग्जाम कैंसिल कर दीजिए कोविड की वजह से, कितने बच्चे पीड़ित थे कोविड की वजह से, अब पता नहीं उन्होंने एग्जाम दिया कि नहीं दिया। और एग्जाम सेंटर पर पहुँचने के बाद कितने बच्चों को एंट्री नहीं मिली कि आपका ये डॉक्यूमेंट नहीं है, आपके पास ये नहीं वो नहीं है, कितने बच्चे रोते रह गए, 19 बैच के कितने बच्चे वही गेट के बाहर खड़े होकर रोते रह गए, लेकिन उनको एग्जाम हॉल में बैठने की एंट्री नहीं मिली। और रही बात सर लखनऊ में धरना दिया गया, इतना कुछ किया गया छात्रों को, महीनों धरना दिया गया, लेकिन कई बार लाठीचार्ज हुआ स्टूडेंट, इलाहाबाद में स्टूडेंट का घर रूम रूम में घुस के लाठीचार्ज किया गया है, कौन करता है ऐसा? सर ऐसे सरकार नहीं, युवाओं के लिए कीजिए तब युवा आपका साथ देंगे, जब तक आप युवाओं के लिए नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं। लॉकडाउन लगा था 2020 में पहली बार,
ठीक। तब आपने अभी आपने ये राशन देना शुरू किया वोटिंग इलेक्शन आने के बाद कि आपको 3 महीना राशन फ्री मिलेगा, महीने में 2 बार राशन फ्री मिलेगा, यार ये सब क्या है हा? उस टाइम इतने लोग मतलब परेशान थे, कष्ट से कैसे आते जाते थे, पैदल पैदल हम लोग रात को अपने यहाँ बैडमिंटन खेलते थे, हम लोग का बाहर ही ग्राउंड है, घर के बाहर ही, तो हम लोग खेलते थे, हम लोग रोड चलते देखते थे मतलब कि लोगों को, लोग टोलियों में आते जाते रहते थे। अरे आप ये काम उस समय किए होते लोग आपसे खुश रहे होते, लोग आपसे खुश रहे होते, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आप अभी कर रहे हैं, सबको प्रलोभन दे रहे हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे। जब अखिलेश सरकार थी गैस 600 रुपये 500 रुपये का मिल रहा था, तब आप बोल रहे थे गैस बहुत महंगी है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा है। अरे यार अब कौन सा सस्ता है हाँ, अब तो और रुपए और महंगा है, अब तो 900 1000 पार हो, 963 रुपये मिल रहा है एक सिलेंडर हाँ, सब्सिडी नहीं आ रही है, अब इतना प्रलोभन दे रहे हैं सब्सिडी नहीं आ रही है। और रही बात तो अब देखिए इनका पेट्रोल डीजल इतना महंगा हो गया है, यार जिसके पास नहीं है साधन वो सोच रहा है, गरीब के घर में पता नहीं चूल्हा जल रहा है नहीं, सरसों का तेल 100 रुपये किलो था 200 रुपये किलो तक पहुंच गया है। अखिलेश यादव अपने मैनिफेस्टो में पेट्रोल डीजल सबकी देने की घोषणा की है, आपको क्या लगता है इससे फायदा होगा? देखिए वो दे या ना दे इससे हमें कोई मतलब नहीं, बस युवाओं के लिए कार्य होना चाहिए, बस रोजगार दे, आपके हिसाब से रोजगार मुख्य मुद्दा रहने वाला है। कुछ दिया है अभी तक? अच्छा क्या नाम रहा आपका? मेरा नाम रामा शंकर राजभर। राजभर हाँ, तो इस बार किसकी सरकार बन रही है? ये सरकार अब भाई इतना महंगाई होते हुए और हम लोग परेशान हो गए हैं हाँ, और तो सरकार सपा का बनने जा रही है। ओम प्रकाश राजभर जानते थे ना? हाँ ओम प्रकाश राजभर को हाँ जानते हैं, राजभरों के अपने आप को बड़े नेता कहते हैं, आए हुए हैं आपके यहाँ? जानते हैं, आए हैं, आए हैं, आए आए थे, अभी फिलहाल आए थे। अच्छा अच्छा हाँ, तो इस बार वो हाँ गठबंधन में है तो आप सपा को जो? हाँ हम सपा को। बीजेपी कह रही है कि हम राजभरों के लिए बहुत अच्छा काम किए हैं, सुहेलदेव बड़ी बड़ी मूर्ति बनवाए हैं। नहीं तो इसके विषय में तो हमें जानकारी नहीं है और यही सब। तो इस आवास वास मिला भाजपा की सरकार में? नहीं हमको तो नहीं मिला। अच्छा आपकी यहाँ जो बस्ती है हाँ। राजभरों लोगों की, तो वहाँ कुछ आवास वास मिला? अभी कुछ मिला होगा उधर इधर, अभी हमको पता नहीं। अच्छा आपके यहाँ नहीं मिला? हाँ नहीं मिला। तो महंगाई आपके हिसाब से बहुत हाँ, प्रभावित कर रही है? महंगाई तेजों से बढ़ रहा, सरसों तेल और इधर सब यही सब महंगाई को देखते तो हुए। गैस वैस मिला था आपको? उज्ज्वला जो स्कीम से ली थी गैस? हाँ, वो अपने हम पैसे से लिए थे। अच्छा पैसे से हाँ। तो अब भराते हैं? हाँ भराते हैं। अच्छा हाँ जी हाँ। तो आप काम क्या करते हैं? मजदूरी करते हैं ईंट गारे का। तब तो खर्चा चलाना काफी और परेशानी हो जाता है हाँ, काम भी नहीं मिलता है। हाँ काम भी नहीं मिलता है, ढूंढना तो, पड़ता है। हाँ बताइए अपना नाम बताएं। मेरा नाम मंगला प्रसाद है। मंगला प्रसाद जी, तो इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं आपके हिसाब से जौनपुर जिले में? मुद्दे भाई जो होना चाहिए उसमें ये है कि मुद्दे जो हैं पहले आज से पुराने मुद्दे थे, रोटी कपड़ा और मकान, अब मुद्दे ये होने चाहिए कि स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार। 2006 से वोटर हैं, कोई कुछ करता नहीं है, कोई कुछ करता नहीं है, सिर्फ वादे बहुत होते हैं लेकिन कार्य धरातल पर हो नहीं पाता है उतना। ये जिस प्रकार नेता लोग बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक चुनाव एक टैक्स एक देश, उसी प्रकार मैं कहता हूँ एक शिक्षा एक देश। प्रधान जी का लड़का भी उसी टेबल पर बैठे और चौराहे पर जो पंचर बना रहा है मासूम, उसका भी बच्चा एक टेबल पर पढ़े। यहाँ बड़े लोगों के बच्चे बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। वन नेशन वन शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए और स्वास्थ्य भी वन नेशन वन हेल्थ होना चाहिए। कारण यह है कि बड़े को इलाज मिल जाता है, छोटा जाते 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 गेट पर ही मर जाता है। कोविड के समय देखा गया है, आगरा वाली घटना इतनी भयानक है कि उसका पति टेम्पू में मरा जा रहा है, उसकी पत्नी उसके मुंह में मुंह डाल करके उसको हवा दे रही थी, कितनी दयनीय स्थिति रही थी कोविड के दौरान बहुत ही बड़ा फेलियर था। और होता कुछ नहीं है भाई, होता कुछ नहीं है आपके हिसाब से? तो मुद्दे तो आपके हिसाब से बेरोजगारी का मुद्दा है और स्वास्थ्य का मुद्दा है, लेकिन
पार्टियां बार बार हिजाब हिजाब के मुद्दे पे जा रही, हिंदू मुसलमान के मुद्दे पे जा रही हैं। क्या है कॉन्सेप्ट ये है कि वो राष्ट्रवाद के पैकेट में हिंदू मुसलमान बांटते हैं, वह सामाजिक न्याय के नाम पर अगड़ा पिछड़ा बांटते हैं। फर्क किसी में कुछ नहीं है, दोनों जन की नाव एक ही तरह खेई जाती है। आपके हिसाब से एक जिम्मेदारी तय होनी चाहिए नेताओं की। तय होनी चाहिए, किसी की जिम्मेदारी तय नहीं हुई। इतना बड़ी घटना हो गई, तमाम लाशें निकली, एक कहना तो नहीं चाहिए, कंपैरिजन हो जाएगा। अब करना भी नहीं चाहूँगा मैं, जाने दीजिए, और बड़ी बात हो जाएगी उसमें। हमारे साथ जिला पंचायत हैं एक, हाँ बताइए क्या बोलना चाहेंगे, किसकी सरकार बन रही है? अखिलेश यादव की सरकार बन रही है, हम लोग अखिलेश यादव को बहुत सपोर्ट करते हैं। वो युवा हैं, युवाओं के बारे में सोचेंगे, हम युवा हैं उनके बारे में भी सोच सकते हैं। योगी काहे नहीं पसंद है, योगी भी युवा हैं, उनसे एक साल बड़े हैं। युवा योगी नहीं है, वो हैं बाबा जी हैं, उनको जाके कुटिया उटिया थामना चाहिए, और राजनीति में जुटे चले आए हैं, उनको जाके मठ में अपना मठ संभाले और आके जनता को ना संभाले, जनता को ना संभाले। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे कई लोग थे, मैच खेल रहे थे, और उनसे हमारी बातचीत हुई, उनके हिसाब से इस बार मुख्य मुद्दे जो होने वाले हैं विधानसभा चुनाव में वो रोजगार के, स्वास्थ्य के और शिक्षा के होने वाले हैं, न कि हिंदू मुसलमान हिजाब, जो कि तमाम पार्टियां उठा रही हैं मुद्दे से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हैं। यहाँ की कई लोगों ने कहा कि एक जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए पार्टियों की और उनके नेताओं की जो सरकार में हैं। तो ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।